सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना भी है। महत्वपूर्ण है इस अवसर पर ये कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज़ को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके, इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा और इसकी बात भी करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन दो आंखों से देखा गया, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में और करप्ट है उनको अलग नजरिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिन पे आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह के आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है, ये रोज बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को, नेचुरल है, स्वाभाविक है। पूर्व में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता है, ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या उनको सीज करना या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही है, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाली दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और मैं मानता हूं कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो में, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है, अब इसकी बात करना भी उचित नहीं बचा इसका। एक यादव मुख्यमंत्री ने कि यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपने कलेक्टर को कहके षड्यंत्र तरीके से फॉर्म निरस्त करा दिया, ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है, इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सुधार करवाएं, बिठाकर सुधार करवाएं। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का घोतक है कि जो फोटोकॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो, तो कहा ये फ्रीज हो चुका है, अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में करेंगे। मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कुछ बातें कही थी, ये एक तरह से हमारा आरोप पत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रदेश अध्यक्ष,
रोज भाषण करते हैं और चुनाव को जीतने के दावे किए जाते हैं। ये चुनाव को जीतने के दावे करने से पहले लाडली बहनों को आपने 3000 का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि उन्हीं बहनों को उन्होंने कहा था एक पक्का मकान, 1.3 करोड़ लाडली बहनाएं थी, 1.3 करोड़ लाडली बहनाओं को पक्का मकान देंगे, उस पर इस 4 महीने में एक एक रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर यह सरकार क्यों नहीं आई? ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति बनाएंगे, 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल विकास में जोड़ने की बात कही थी, एक शब्द भी इस पर क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि लाडली लक्ष्मी के कुल 2 लाख, लाडली लक्ष्मी को कुल 2 लाख देंगे, सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और लखपति बहना बनेगी, उस योजना का क्या हुआ? 450 का सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों को, वो योजना चालू क्यों नहीं हुई? जैसा मैंने कहा केजी से पीजी तक, बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें हैं ये कोई मेरे मन की नहीं है, केजी से पीजी तक अब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उस पर सरकार एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? जैसे किसानों को भाजपा ने कहा था कि हम 2700 रुपये गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का दाम देंगे और 12000 रुपये वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश की अब सरकार करेगी, देश की सरकार तो जो देगी वो देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। मैं अनुरोध करता हूं कि इसके सारे जवाब, चूंकि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी की पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, वो देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का कलेक्टर, मैंने कल भी बयान दिया था, 3 घंटे तक कुर्सी पे नहीं आया, जो प्रत्याशी था वहीं उसके प्रत्येक दर से वीडियो भी है और उसका वो सब हम जैसे कोर्ट में ले जाने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए इंडिया गठबंधन ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी 12 बजे जाके प्रत्याशी और उनके पति वहाँ कांग्रेस के और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस में बैठे। कलेक्टर 3 घंटे तक आया ही नहीं। निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, संसदीय निर्वाचन अधिकारी होता है, ये बात तो मैं खुद साक्षी हूँ। मैंने कलेक्टर को मेरे रिकॉर्ड में देख लें 10 बार फोन लगाए, मैसेज किए, मेरा फोन उठाया नहीं। एक पार्टी के विपक्ष के नेता के प्रदेश अध्यक्ष का उनने फोन उठाया नहीं। अनुपम राजन जो जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं उनसे मेरी बात हुई, स्टेट के हैं उनसे मेरी बात हुई, तब जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर ये साइन नहीं है और ऐसी शिकायतें वहां से आई है, पर चूंकि कलेक्टर वहां जाएंगे तो वो साइन हो सकती है, इसमें कोई चूक नहीं, ये मौखिक उनकी और हमारी बात हुई फोन पे। तो अगर कोई गलती थी तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जो कमी है उसको पूरी करवा लें। लोकतंत्र का मूल विचार क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फॉर्म में कमी है तो दूर करवा लें। 3 घंटे बैठे थे, लगातार बैठे थे, मीडिया डोमेन में है, तो ये कहना कि जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया, यही तो लड़ाई है। जो कलेक्टर है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां के प्रत्याशी हैं उनका नौकर है, उनका सर्वेंट है, व्यक्तिगत सर्वेंट। जो वो कलेक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहा, वो कलेक्टर निर्वाचन के जो संविधान की शपथ ली उसको नहीं निभा रहा और इस तरह के कुकृत्य करके बचने के लिए इस तरह की बातें पब्लिक में फैला रहा है, मीडिया में फैला रहा है, यही तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इसी के अगेंस्ट तो ये गठबंधन की एकता है। मैदान छोड़ने की तो दूर दूर तक बात नहीं हो सकती, 100% करेंगे। जो 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 कानून के तहत लड़ाई है वो जारी रहेगी, यही अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बयान दिया है, यही प्रत्याशी ने अपना बयान दिया है, कानून के हिसाब से जो बातें संभव होगी वो तो चलती रहेगी, पर इस बीच में चुनाव होगा तो सारी गठबंधन मिलके एक प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। मैंने जैसा कहा कि मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि फिनोमा बनाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, झूठ बोल के अलग अलग तरीके के मायाजाल रच के कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है। अगर अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, तो कांग्रेस के क्राइम करने वाले लोगों को, रेता ढोने वाले लोगों को, क्रेशर चलाने वाले लोगों को दोनों हाथ फैला के क्यों लेते हैं?
कमजोरी है तभी तो ये हो रहा है। हम मैंने पहले भी कहा था 10-11 सीटें ऐसी है जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस आगे थी, तो स्वाभाविक रूप से वो वोट भी हमारा है। दूसरी बात है 5 सीटें ऐसी है जहाँ कास्ट क्वेश्चन के हिसाब से चुनाव होते हैं, और वो 5 सीटों में 6 सीटें ऐसी जहाँ पे जातिगत आधार पे वोट पड़ता है, उन सीटों को भी हम बी कैटेगरी की श्रेणी में लेते हैं जिसमें से हम जीत भी सकते हैं लूज भी कर सकते हैं। मैं ये दावा बीजेपी जैसा अलोकतांत्रिक नहीं कर सकता, अहंकारी रूप से नहीं बोल सकता कि इतनी ही जीतेंगे। हमारी इच्छा है आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का बनता है, 100% जब रिजल्ट आएगा तो 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। बाहर मंच लगा था, यहाँ मंच लगा था, और जहां भी रोज ज्वाइनिंग होती थी, परिणाम जनता और कार्यकर्ता को देना होता है। कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है, अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है, गांव गांव में खड़ा है, वो कांग्रेस की विचारधारा और इंडिया गठबंधन के विचार को एक आत्मसात करता है। हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को कुप्रचार से भयभीत नहीं है, न डरे हुए हैं, न दिमाग में ऐसी भी कोई विचार आता है कि ये क्या हो रहा है, हमें पता है कि इनसे लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए। ये झूठ और पाखंड, करप्शन और क्राइम के लोगों से लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और वो कांग्रेस का राजनीतिक जो विचार था जिसने देश को आंदोलित करके आज़ादी दिलाई, जो देश का वो कांग्रेस का आंदोलनकारी विचार है जो हमेशा आंदोलन और आम आदमी से कनेक्शन करता है, हम उसको लेकर बिल्कुल मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से कोई किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब सीटों की संख्या आएगी, जो 29-29 की बात करते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, सब जवाब उसके बाद आएगा और कांग्रेस पार्टी वो जवाब देगी। दल के जितने भी दल हैं उनकी लिस्ट जारी होगी, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी भी लिस्ट जारी होगी, और जो गठबंधन नेशनल स्तर पर हुआ वही प्रदेश स्तर पर। जी का दिल्ली में उनको बुखार आ रहा था तो आज आ गए हैं वो सुबह की फ्लाइट से। उनको इन्फेक्शन है, थोड़े दिन पहले जब वो 2-3 बार उनको एक इलाज कराने जाना पड़ता है, तो वो 5 दिन का कोर्स होता है एक बार का, तो वो इसलिए 2-3-4 दिन नहीं थे। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी में अभी हमारे नेता, हम एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे।